हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट विनीत चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों रोज सुबह 8 बजे मेरे द्वारा क्लास ली जाती है ये वाली। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है ना तो अभी बहुत अच्छा मौका है। हालांकि ऑफर जो है वो जा चुका है बट आने वाले समय में और भी कुछ अच्छे ऑफर आएंगे। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। आज हम लोग कई सारी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि आज सैटरडे है तो आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, यानी कि जो एक्सप्लेन्ड वाला रीजन है वो आज थोड़ा सा खाली रहेगा। एडिटोरियल के अंदर 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, बाकी कई सारी खबरें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास है। एलिविएटिंग द सर्ज ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, आज दोनों एडिटोरियल जो है ना वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। देखो भारत के अंदर अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं कि यार जो हेल्थ है उसका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा कितना किया जाता है तो GDP के मुकाबले 1.28%, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर के मुकाबले 4.8% गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है हेल्थ केयर के अंदर। अब ये जो खर्चा है ये पुअरेस्ट कंट्री से भी कम है। ऐसी कंडीशन है, भारत को अपने पब्लिक हेल्थ केयर का खर्चा जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक हेल्थ केयर का खर्चा कम होगा तो फिर खर्चा कौन कर रहा होगा? सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर। और अगर प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रहा है तो वो लगभग 60% तक आज भारत के अंदर हेल्थ केयर का बिजनेस चला रहा है। भारत के अंदर 60% लोग जो इलाज करा रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाके करा रहे हैं। अब जब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब इलाज हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये सस्ता होगा या महंगा होगा? हेल्थ केयर की आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लोगों की बढ़ रही है। अब जब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लोगों की हेल्थ केयर की बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को थोड़ी सी चीजों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब देखो प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका अगर पैसा नहीं है तो आपका इलाज ही नहीं हो सकता, होता है होता है। अगर आपके पास में बहुत अच्छे पैसे हैं आप बहुत अच्छे अस्पताल में जाओगे, अगर आपके पास में कम पैसे हैं तो आप खराब अस्पताल में जाओगे। मतलब अगर आपके पास पैसे कम हैं तो जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है वो कम हो जाएगी। अब हम लोगों को क्या करना, लोगों का आउट ऑफ पॉकेट खर्चा कम करना, किसके जरिए? पॉलिसीज के जरिए। पर ये पॉलिसी के जरिए जब आउट ऑफ पॉकेट खर्चा कम करें और प्राइवेट सेक्टर की प्राइस को रेगुलेट करें तो कुछ इस तरीके की पॉलिसी बनाए कि उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर ना गिरे। मतलब प्राइस गिरे पर उसके सामने क्वालिटी ना गिरे, क्वालिटी सेम रहे। इस तरीके के हेल्थ केयर को हम लोगों को डेवलप करना चाहिए। अब यहां पर कहा गया है कि एक तो हम लोग करते हैं इंश्योरेंस प्रोग्राम चलाते हैं जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, खुद से खर्चा देती है। जैसे आपके पास में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, साथ में आयुष्मान भारत योजना, तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, कई सारे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया गया जिसके जरिए अगर आप अस्पताल में एडमिट होते हो तो आप अस्पताल के अंदर जाओ, जाके अस्पताल के अंदर बोलो कि भैया मैं तो आयुष्मान भारत वाला आदमी हूँ, आयुष्मान कार्ड दिखा दो उसको, तो वो फिर आपके इंश्योरेंस से पैसे काट लेगा। ठीक है, आपके 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट भर देगी। इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योरेंस भी दिया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, चलो ठीक है यार, इतना इंश्योरेंस मिल तो जाता है, बढ़िया है, फिर क्यों कॉस्ट कम करना है? तो देखो यार, ये जो इंश्योरेंस मिलता है ये टर्शरी हेल्थ केयर में मिलता है। एक होता है प्राइमरी, जैसे आप बीमार हुए तो सबसे पहले किसके पास गए? एक डॉक्टर के पास। आजकल तो भारत के अंदर लोग मेडिकल के पास ज्यादा जाने लगे हैं, मेडिकल के पास चले जाते हैं कि भैया तू ही दवाई दे दे यार, डॉक्टर क्या देगा। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी, कि अगर चलो ठीक है प्राइमरी से अगर जो छोटा मोटा डॉक्टर है उससे मेरा इलाज नहीं हो पाया तो मैं फिर थोड़े से बड़े लेवल के अस्पताल पर जाता हूँ, मेरे जो क्षेत्र का अस्पताल होता है वहां पर जाके मैं एक डॉक्टर को दिखाता हूँ, वो भी कहता है कि यार आपकी बीमारी तो बहुत बड़ी है, आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप एक काम करो उस अस्पताल में आ जाओ, वहां पर मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। तो जिस अस्पताल में ऑपरेशन करेगा वो हो जाएगा टर्शरी हेल्थ केयर। पर आप समझो कि अधिकतर लोग बीमार होकर अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहे, एक बड़े पैमाने में लोग जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के हैं। मतलब बीमार हो रहे हैं और या तो वो छोटे मोटे डॉक्टर से ठीक हो रहे हैं या फिर आसपास के एक बड़े अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर को दिखा के ठीक हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि हम लोग
को यहां पर भी तो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। हम लोग कॉस्ट यहां पर कम कर चुके हैं, पर यहां पे भी कॉस्ट कम करने की जरूरत है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर कॉस्ट कम करने की जरूरत है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जो टर्शरी के अंदर हम लोगों ने इंश्योरेंस सर्विस दी है गवर्नमेंट के द्वारा, एक तो इस इंश्योरेंस का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? गवर्नमेंट भी तो हम ही लोगों से पैसा लेगी ना घूम फिर के, मतलब हमारे जो टैक्स का पैसा है वो यहां पर जाएगा। अब टैक्स का पैसा जाएगा कोई बात नहीं, हेल्थ केयर एक बेसिक एमिनिटी देना भी चाहिए, हम लोग टैक्स भरते इसलिए। पर प्रॉब्लम यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जब वो देखता है कि यार ये आयुष्मान कार्ड वाला आदमी है, तो एक काम करो इससे ज्यादा पैसा निकल लो, 2,000 की दवाई होगी 5,000 बताएगा, 1,00,000 का इलाज होगा 2,00,000 बताएगा, इस तरीके से ज्यादा पैसा लूटा जाएगा। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो हम लोगों को ना गवर्नमेंट के अंदर जो भी पॉलिसी निकाली जाए हेल्थ केयर के लिए, तो हम लोगों को कई सारी पॉलिसी निकालनी पड़ेगी और उन सबको एक पॉलिसी के साथ में जोड़ना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोगों को पहली चीज क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? पहली चीज ये कि कॉस्ट कम हो पर क्वालिटी कम ना हो, क्वालिटी सेम रहे, ठीक है। दूसरा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो और प्राइवेट सेक्टर खुद से कॉस्ट कम करे, सब्सिडी वगैरह कम हो पर कॉस्ट कम करे, दूसरी चीज। तीसरी चीज जो हम लोगों को यहां पर करनी है वो ये है कि जब भी पॉलिसी बने तो उस पॉलिसी के अंदर अगर हम लोग मल्टीपल पॉलिसी बना तो फिर समझ नहीं आता कौन सी पॉलिसी क्या है। आदमी देखो, एक पढ़े लिखे आदमी की बात अलग है, जैसे एक आईएएस ऑफिसर है उसको पता है कौन कौन सी पॉलिसी है, पर एक बार आप अपने माता पिता को इमेजिन करो और आपके माता पिता से पूछो जाके कि यार सरकारी कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है हेल्थ के लिए, क्या उनको सारी पता होगी क्या? अब नंबर ऑफ पॉलिसी बना दी जाती है, 10-10 12-12 पॉलिसी चल रही है हेल्थ की, ठीक है, तो एक आदमी को, एक साधारण आदमी को याद रहेगी क्या, पता रहेगी क्या? वो तो एक आध पॉलिसी कहीं से सुनी होगी तो उसका प्रयोग करता रहेगा, और कई बार वो भी नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर मेरे को पॉलिसी को सही रूप से इंप्लीमेंट करना है तो लोगों को पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। ऊपर सरकार पॉलिसी बना देती है, नीचे लोगों को पता ही नहीं होता है। नीचे लोगों को पता होने के लिए केवल एक पॉलिसी होना चाहिए, जैसे आयुष्मान वाला पता ही है इंश्योरेंस की, सबको पता चल गया तो उसका प्रयोग अब लोग करने लगे। उस पॉलिसी का बेनिफिट अगर लोगों तक पहुंचाना है तो मल्टीपल पॉलिसी नहीं, एक पॉलिसी होना चाहिए जिसके अंदर नंबर ऑफ पॉलिसी एक साथ कवर हो जाए, यानी कि वन पॉलिसी सिस्टम जो है वो करो, दिस इज अ थर्ड थिंग, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे, सही बात है, अच्छी बात बोली है तो मतलब मजा आ गया, पर करें कैसे, मतलब हाउ टू डू दिस, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि कॉस्ट को क्वालिटी के साथ में कम करे बगैर कैसे सिस्टम चलाना है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बिजनेस प्रोसेस इनोवेटर होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब लोगों का भला करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं और बहुत बेहतर इलाज करते हैं, ठीक है। ऐसी जो कंपनियां, जैसे नारायण है, नारायण करके एक है जो बहुत ऐसे ही प्रोसेस इनोवेटर है, तो हम लोग को इन प्रोसेस इनोवेटर को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा कि क्वालिटी कम ना हो कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। तो कॉस्ट कम करा पर इलाज जो करता है डॉक्टर उस दौरान में उसकी सबसे ज्यादा कोई मदद करता है तो वो थी नर्स, ठीक है। नर्स प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, नर्स अगर प्रॉपरली ट्रेंड होगी तो कॉस्ट कम होने के बावजूद भी, क्यों डॉक्टर ऐसा थोड़ी करेगा कि अरे यार इन्होंने मेरे को पैसे कम दिए तो एक काम करता हूं 1,00,000 की दवाई में, अब 5,00,000 की दवाई लिख रहा हूं मैं तो एक काम करता हूं, इसमें टीवी की बीमारी है ना इसको, तो इसको मैं पीलिया की दवाई लिख देता हूं, ऐसा तो नहीं करेगा ना, वो अपने नॉलेज का बेस्ट यूज करेगा। तो हम लोग को डॉक्टर और नर्स को ट्रेन करना चाहिए, डॉक्टर और नर्स अच्छे से ट्रेन होंगे, अच्छे जानकार होंगे, तो अपने आप भले हम लोग कॉस्ट कम भी करेंगे तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है वो बढ़ी हुई जाएगी, ठीक है। ये सेकंड थिंग कि प्रॉपर ट्रेनिंग दो। थर्ड थिंग कि जब भी हम लोग हेल्थ केयर की बात करें तो हम लोग कनाडा वाला मॉडल भी यूज कर सकते हैं। कनाडा के अंदर क्या होता है, अर्बन इलाके के अंदर जनरली अगर आप भारत के अंदर भी देखोगे तो हेल्थ केयर की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो कनाडा के अंदर ना कुछ कमिटी बना दी जाती है, रीजनल कमिटीज, ठीक है, एक रीजनल लेवल पे, जो क्या करती है, ये देखती है कि एक अस्पताल को कितनी कॉस्ट लगती है किसी का इलाज करने में और किस प्रकार का इलाज करने में। टीबी के इलाज में कितनी कॉस्ट लग रही है, अगर कोई बीमार है, अगर मान लो लीवर की प्रॉब्लम है तो कितना
कॉस्ट लग रही है, उन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाए और उस कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर 100, 200, 500, 1000, 2000 उतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा जोड़ के प्राइस जो है वो फिक्स कर दी जाती है हर एक रीजनल लेवल पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी ये, ठीक है। जहां पर जो कमेटी के अंदर लोग होंगे ये हेल्थ केयर के एक्सपर्ट होंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग होंगे, लोकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा और ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे ये कितना प्राइस अफोर्डेबल है और उतनी प्राइस जो है वो फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलेगी अर्बन इलाकों, ताकि क्या हो सके प्राइस जो है वो रेगुलेट हो सके। बट ये सारी चीजें जब हम लोग करेंगे तो उस बीच में ये नहीं भूलना कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही ना हो। कोई भी विश्व के अंदर कोई भी देश आप उठा लो जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर देने की कोशिश करो, उस देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता ही होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी, नॉट जस्ट सफिशियंट, इट इज नेसेसरी कंडीशन, जरूरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसका मतलब हम लोग जो कॉस्ट कम कर रहे हैं हम लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो, उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही ना कर। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर फिर प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट को कम करने की बजाय जो पब्लिक हॉस्पिटल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर डेवलप करने के लिए किया जाना चाहिए, और ज्यादा हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए, एम्बुलेंस का प्रयोग करना चाहिए, बेटर अस्पताल बनाने चाहिए, गवर्नमेंट अस्पताल बनाने चाहिए, ताकि और सस्ते दामों के अंदर लोगों को अपना हेल्थ केयर जो है वो मिल सके। तो ये इस एडिटोरियल के अंदर एनालाइज किया गया, ठीक है। इसके अलावा फाइटिंग कैंसर, कल मैंने आपको बताया था कि 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाया जाएगा सर्वाइकल कैंसर का, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर का अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस कहीं पाए जाते हैं तो भारत में, सेकंड हाईएस्ट चाइना में। हालांकि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल होता है, ट्रीटेबल होता है, और ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये होता है ह्यूमन पेपिलो वायरस से, पेपिलोमा वायरस से, और इस वायरस को ट्रीट किया जा सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो। भारत और पूरे विश्व के अंदर हम लोगों को सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट भी करना है, हम लोगों को इसे ट्रीट भी करना है। प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, 15 साल से कम लोगों के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा, लगभग 90% लड़कियों को वैक्सीन लगाने की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही की हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा हुआ है कि प्रिवेंट तो करना है, ट्रीट भी करना है। ट्रीट इस तरीके से करना है कि हर 1,00,000 महिला पे सर्वाइकल कैंसर के केसेस 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये देशों के टारगेट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हैं, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने HPV वैक्सीन, है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है उसका प्रयोग किया है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इस वायरस के लिए भारत के अंदर जो HPV वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है सर्वावेक करके, और इस सर्वावेक वैक्सीन जो भारत के अंदर ये डेवलप है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, उसे बच्चों को लगाया जाएगा, और बच्चों को लगाया जाएगा मतलब लड़कियों को लगाया जाएगा 9 से 14 साल की उम्र में, और स्कूल के अंदर लगाया जाए, क्योंकि भारत के अंदर एनरोलमेंट रेट अच्छा है महिलाओं का, बच्चियों का, 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियां स्कूल आती हैं, तो हम लोग वहां पर इनको इम्यूनाइज कर सकते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं आ पाती स्कूल, जो स्कूल के अंदर जाती ही नहीं, तो उनके लिए भी हम लोग मोबाइल फोन डिवाइस और अलग अलग चीजों के जरिए उनको ट्रैक करके उनके पास जाके उनके घर में जाके उनकी वैक्सीन जो है वो लगाएंगे, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा GS1 से रिलेटेड टॉपिक है, मेंस 2018 या मेंस 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत को अपने आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल साइट को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है क्यों, ठीक है, और क्या क्या थ्रेट इनके ऊपर देखने को मिलते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हम लोगों को आर्कियोलॉजी के ऊपर क्या थ्रेट होता है, आर्कियोलॉजी के ऊपर क्या सॉल्यूशन होते हैं, उन्हें कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ये जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को देखने को मिला है, इंक्रोचमेंट। क्या होता है कि जैसे ये मॉन्यूमेंट है ना, आर्कियोलॉजी है, जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये मॉन्यूमेंट है यहाँ,
ये पूरा मॉन्यूमेंट है। अब क्या मॉन्यूमेंट बस ऐसे ही खड़ा रहेगा क्या बीच में एकदम शहर के बीच में? नहीं, सीधी सी बात, आसपास का एरिया थोड़ा सा खाली भी रहता है। यहाँ पर गार्डन वार्डन बने हुए होते हैं, जहाँ पर वो बाबू छोना वाले लोग जो हैं वो आते रहते हैं, ठीक है, वहाँ का माहौल खराब करते रहते हैं। यही मॉन्यूमेंट है जिसके ऊपर वो दीवार वीवार बनी रहती है, वहाँ पर वो ऐसे कि बाबू दिल स्टार सोना ऐसे करके ही लिखते रहते हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट की बैंड बजाते रहते हैं। तो एक सबसे बड़ा खतरा तो यही है मॉन्यूमेंट खराब करने का, वहां अपनी निशानी छोड़ के जाएंगे कि ताजमहल, ताजमहल शाहजहां की नहीं, आज से मेरी प्यार की निशानी। तो वैसा सिस्टम देखने को मिलता है। उसी के साथ में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गार्डन है, इसी गार्डन के अंदर ना लोग धीरे धीरे करके इंक्रोच करने लगे। इंक्रोच करने लगे मतलब क्या? मतलब कि लोग क्या करते हैं, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ की जमीन के ऊपर कब्जा करने लग जाते। तमिलनाडु के अंदर हम लोग को एक केस तो ये भी देखने को मिला था कि मंदिरों के जो प्रीस्ट होते हैं उनके द्वारा जमीनों को बेच दिया गया और आर्कियोलॉजी के अंदर इंक्रोचमेंट होने लगा था, यानी कि लोग जो हैं वो वहां पर कब्जा करने लगे थे उन क्षेत्रों के अंदर। उसी तरीके के केसेस हम लोग को भारत के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर अगर आप बात करेंगे तो लोग टोटल 356 अलग अलग मॉन्यूमेंट में इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 75 इंक्रोचमेंट के केस है, तमिलनाडु में 74 है, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना कि टोटल भारत के अंदर जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो लगभग 3,695 है, और ये जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होती है उन्हें प्रोटेक्ट करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोटेक्टेड लगभग 3,695 साइट्स हैं उनमें से लगभग 300 से ऊपर, मैंने अभी बताया आपको कि 2 सेकेंड, 356 साइट्स ऐसी हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि वहां पर इंक्रोचमेंट यानी कि कब्जा जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केसेस करती है, पुलिस कंप्लेन फाइल करती है, जितने अपने घर बना लिए वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आसपास, ठीक है, मतलब जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके आसपास उसकी जमीन के ऊपर, उनको नोटिस भेजा जाता है, और अगर वो नोटिस पे भी नहीं माने तो उनके घर को गिरा भी दिया जाता है कलेक्टर से बुलवा के। इस तरीके की चीजें जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है ताकि जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है उसकी जमीन जो है वो बची रह सके। ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन अमेंडमेंट एक्ट 2010 के अनुसार, अगर कोई आर्कोलॉजिकल साइट है, मतलब मान लो कि ये मॉन्यूमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई रह नहीं सकता है, ठीक है, अलाव नहीं है, इसके लगभग 300 मीटर के आसपास के एरिया को रेगुलेट किया जाता है कि वहां पर किस तरीके के लोग रहेंगे, किस तरीके के इंडस्ट्रीज बनेंगी। ऐसा क्यों? ताजमहल, ताजमहल आपको देखने को मिलेगा कि एक समय पर सफेद हुआ करता था, धीरे धीरे करके येलोइश कलर जो है वो होता जा रहा है, मार्बल कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रीज हैं, आसपास की इंडस्ट्रीज जो हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज करती है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड हवा के अंदर मिलते हैं, कई बार पानी के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, और आपने सुना होगा H2O+NO2 बनाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2O+SO2 बनाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एसिड जो है वो हवा के अंदर बन जाता है वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करने के बाद। कई बार एसिड रेन होती है, और एसिड रेन जब मॉन्यूमेंट के पत्थरों से टकराती है, ये एसिड जब मॉन्यूमेंट के पत्थरों से टकराता है तो मॉन्यूमेंट खराब करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि रेन के जरिए डिपोजिशन नहीं होता, रेन के जरिए ये जो एसिड है वो नहीं आता जमीन पे, बल्कि डस्ट के साथ में मिलके चिपक जाता है, जिसके कारण से बिना रेन हुए भी, बिना एसिड रेन हुए भी मॉन्यूमेंट के पत्थर जो है वो खराब होने लगते हैं। आप खुद सोचो कि आपके घर की टाइल्स पे मैं एसिड छिड़क दूं एकदम भारी वाला, तो टाइल्स खराब होगी कि नहीं होगी? ठीक है, बिना डाइल्यूट करें बिल्कुल होगी। तो वैसा सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है जिसके कारण से मॉन्यूमेंट जो है वो खराब होती हैं। ऐसी कंडीशन में इंडस्ट्रीज को, एक्टिविटीज को आसपास रेगुलेट किया जाता है। इवन आप सोचो कि यार एक अच्छी सी यहाँ पे मॉन्यूमेंट बनी हुई है, और उस मॉन्यूमेंट के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर माइनिंग चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि इसके नीचे की जमीन जो है वो कमजोर पड़ जाएगी,
और अगर कमजोर पड़ जाएगी तो उसके बाद में छोटा मोटा भूकंप आया तो ये बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाएगी, मॉन्यूमेंट नीचे गिर जाएगी, मॉन्यूमेंट चली गई, खत्म हो गई, हुआ करती थी, हो गई फिर, है ना। ऐसी कंडीशन में माइनिंग को, डायनामाइट को, ऐसी चीजों को भी रेगुलेट करना जरूरी है। तो वो एक्टिविटीज को 300 मीटर के इलाकों के अंदर, 300 मीटर के रेडियस के अंदर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बात करते हैं GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी COVID-19 बहुत ज्यादा फैल रहा है, चाइना क्या करे साहब, चाइना की वजह से फिर से कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन ना लग जाए बस, है ना। खैर मेरे को तो नहीं लगता लगेगा अभी। तो एक दवाई ना हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, भारत बायोटेक द्वारा बनाई थी ये दवाई, जिसका नाम था इनकोवेक। इनकोवेक एक ऐसी वैक्सीन है जो नाक के जरिए डलती है, इंट्रानेसल, और विश्व की पहली इंट्रानेसल वैक्सीन ये थी। इसे अब पब्लिक यूज के लिए अलाउ कर दिया गया है। वो लोग जो वैक्सीन डायरेक्ट जाके नहीं लगवा पा रहे हैं, वो इस नेसल का, नेसल स्प्रे टाइप से जो ये दवाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट ने वेटरन्स को 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम का रिवीजन कर दिया है। मतलब पहले से जो पेंडिंग थी वो 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम, उसे इम्प्लीमेंट करने की बात कर दी है। अब 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम है क्या? तो देखो यार, पहले क्या होता था कि जैसे मान लो दो ऑफिसर हैं, एक मैं हूं, मैं 2020 में इंडक्ट हुआ था, और एक आप हो, मेरा 2020 का रिटायरमेंट है, और एक आप हो जिसका 2022 का रिटायरमेंट है। मैं पहले रिटायर हुआ तो इस समय में पेंशन के रेट अलग थे, मतलब गवर्नमेंट ने अलग पेंशन रेट डिटरमाइन किए। मान लो मेरे को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही थी तो मेरे को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है, वहीं आपको 15,000 रुपये पेंशन दी जा रही है 2022 के अंदर डिटरमाइन करके, जबकि हम दोनों की रैंक सेम थी पर हमारी पेंशन अलग हो गई। तो कहा गया कि यार 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब जो सेम रैंक वाले लोग हैं और एक साथ रिटायर हो रहे हैं उनको सेम पेंशन दी जाए, अलग अलग पेंशन जो है वो नहीं दी जाए, ठीक है। इसके अलावा फिर GS3 के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, तो 81 करोड़ लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिट अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अभी तक क्या होता था कि गेहूं, चावल और सीरियल जो है वो 1, 2 और 3 रुपए में मिलते थे। अभी कैबिनेट कमेटी द्वारा कहा गया है कि लगभग 81 करोड़ लोगों को एक साल तक, यानी कि दिसंबर 2023 तक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो तक का राशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, पैसे नहीं लिए जाएंगे। अभी 1, 2 और 3 रुपए लिए जाते थे, अब पैसे ही नहीं लिए जाएंगे, प्रो पुअर पॉलिसी। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये हैं कि गरीबों तक अन्न पहुंचेगा, माल न्यूट्रिशन जो है वो कम होगा, हंगर नहीं होगा, स्टार्वेशन नहीं होगा। इसके नुकसान क्या? नुकसान ये है कि 81 करोड़ लोगों के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो सच में इस फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट राशन क्यों दे रहे हैं, जबकि वो लोग तो पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह ऐसा किया जाए कि अलग अलग लेयर क्रिएट की जाए, कि एक लोअर सेक्शन के लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, कुछ ऊपर वाले सेक्शन वाले इतनी इनकम वाले लोग हैं जो खुद से अन्न ले सकते हैं, खुद से अपना अन्न खा सकते हैं, ऐसे लोगों को अलग से राशन ना दिया जाए, उनको थोड़े कम पैसे में राशन दे दिया जाए, फिर थोड़ा और कॉस्ट बढ़ाया जाए, फिर थोड़ी और कॉस्ट बढ़ाई जाए। इस तरीके से एक इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है, इविडेंस बेस्ड अप्रोच, उसका प्रयोग किया जाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा फिर DRDO के ऊपर CAG के द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए गए। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अपने डाटा को जब रिलीज किया गया तो ये बताया गया कि DRDO कई सारे अपने मिशन के अंदर डिले कर रही है, टाइम ज्यादा ले रही है, इवन जितनी मिशन के अंदर कॉस्ट नहीं उससे ज्यादा कॉस्ट ले रही है, यानी कि ज्यादा कॉस्ट और ज्यादा पैसा जो है वो लिया जा रहा है। तीसरी चीज इनके द्वारा ये कहा गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा, कि DRDO के जो मिशंस हैं, इन मिशंस के अंदर कई बार DRDO के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, शुरुआत में मिशन शुरू करते हैं तो उस समय पे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं किया जाता, उसके पहले ही कह दिया जाता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया। जैसे 5 ऑब्जेक्टिव बताए थे एक मिशन के, उसमें से 3 पूरे हुए, 2 पूरे ही नहीं हुए, फिर भी कह दिया जाएगा मिशन सक्सेसफुल।
एक तो ज्यादा पैसा लिया, ज्यादा समय लिया, पर उसके बाद भी मिशन जो है वो पूरा नहीं हुआ। इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है डीआरडीओ के अंदर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने यहाँ पर प्रॉपर डाटा के साथ में बताया है, इन्होंने बताया कि 178 में से 119 प्रोजेक्ट के अंदर समय ज्यादा लगा, समय लगभग 49 केसेस के अंदर 100% से ज्यादा समय लगा, मतलब जितना बोला था उससे डबल समय ले लिया, 5 से 6 गुना समय भी लिया गया कुछ कुछ केसेस में। तो वहीं 86 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें सक्सेसफुल घोषित कर दिया जबकि उनके 1-2 पैरामीटर अटेंड ही नहीं हुए, 4-5 ऑब्जेक्टिव पूरे ही नहीं हुए थे, बट उसके बावजूद भी उन्हें सक्सेसफुल पहले ही घोषित कर दिया। जिनमें से लगभग 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि 1074 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कॉस्ट करते हैं। इतने ज्यादा कॉस्ट करने के बाद में ये मिशन जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, ज्यादा समय लेने के बाद में मिशन जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आपको मिल जाती है। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट होता है तो आप लोग मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों को कोड जो यूज करना है वो है SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।